राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर में बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली, जिसमें लोगों को ऐतिहासिक धरोहर पर संस्कृति के संरक्षण का संदेश दिया गया। BTTM विभाग के प्रोफेसर संजय धीमान व प्रोफेसर पुनीत के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली में करीब 70 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। रैली कॉलेज चौक, गुरुद्वारा चौक, गांधी मार्केट, चंपा पार्क व चेतना चौक से होते हुए छात्र भाषा एवं संस्कृति विभाग कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कला दीर्घा हॉल में रखी ऐतिहासिक धरोहरों के माध्यम से बिलासपुर के इतिहास के बारे में जानकारी ली। यहां उन्होंने ऐतिहासिक धरोहर, पांडुलिपियों, कलाकृतियों, वस्त्रों व वाद्य यंत्रों को काफी उत्सुकता से देखा और उनके बारे में जानकारी भी प्राप्त की। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में कोरोना वायरस के मामले को लेकर पूरे क्षेत्र में अफवाहों का बाजार गर्म है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से आग्रह किया है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर ध्यान न दें। जो एक मामला बिलासपुर में कोरोना वायरस आया हुआ है, अभी संदिग्ध है, अभी उसकी जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। स्वास्थ्य विभाग किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। CMO बिलासपुर डॉक्टर प्रकाश दरोज का कहना है कि वीरेंद्र कुमार नवयुवक जो कि साउथ कोरिया से आया था, जो कि संदिग्ध है, उसके पूरे परिवार की जांच करवाई गई है। हालांकि किसी को भी लक्षण नहीं पाए गए हैं। इसके अलावा गांव में भी चिकित्सकों की टीम भेजी गई है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया वह कोरोना वायरस की फैलाई जा रही भ्रांतियों पर विश्वास न करें। अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो स्वास्थ्य विभाग को संपर्क करें। कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाने पर मरीजों के लिए बिलासपुर में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग बिलासपुर भी पूरी तरह से सतर्क है और किसी भी तरह के मामले से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और कहा कि वीरेंद्र कुमार नामक युवक जो कि साउथ कोरिया से आया था, जिला बिलासपुर के चलहली ग्राम पंचायत का रहने वाला है। स्वदेश लौटने के बाद उसने स्वेच्छा से कोरोना वायरस का टेस्ट करवाना चाहा, इसलिए विभाग ने उसे एम्बुलेंस के माध्यम से शिमला IGMC हॉस्पिटल भेजा है, जहां पर उसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी। विद्युत बोर्ड सर्कल बिलासपुर के तहत आने वाले सब डिवीजन नमहोल में बिजली बिल जमा न करने वालों अब खैर नहीं। बता दें, सब डिवीजन नमहोल में काफी समय से कई बिजली के उपभोक्ता ने अपना बिजली का बिल जमा नहीं करवाया है और काफी बार विभाग द्वारा नोटिस दिया जा रहा है, फिर भी उसके बावजूद उपभोक्ता अपना बिजली का बिल जमा नहीं करवा रहे हैं। जिसके लिए विभाग ने 10 मार्च का समय दिया है। अगर फिर भी बिल जमा नहीं करवाए जाते हैं तो बिजली विभाग किसी सूचना के तुरंत उपभोक्ता के बिजली के मीटर काट देंगे, जिसे पुनः चालू करने के लिए उपभोक्ताओं को अतिरिक्त पैसे देने होंगे। वहीं जब सहायक अभियंता नमहोल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि काफी समय से उपमंडल नमहोल, द्योत, जुखाला व चकोह के उपभोक्ता के लगभग 40 लाख के बिल जमा नहीं करवा रहे हैं, जिन्हें काफी समय से नोटिस भी दिए जा रहे हैं। लेकिन अब विभाग 10 मार्च के बाद ऐसे उपभोक्ता के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है और बिजली के मीटर काट देगा। कोरोना वायरस को लेकर नूरपुर के एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता नूरपुर के SDM डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने की। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अलावा विधानसभा क्षेत्र के सभी होटल मालिकों को इस बैठक में बुलाया गया और कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी गई। SDM डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर होटल मालिकों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई और उन्होंने कोरोना वायरस के बारे उन्हें जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि चीन व उसके साथ जो 12 कंट्री हैं, यहां पर कोरोना वायरस का कहर पनप रहा है। वहां से लौटे हुए जो भारत के लोग हैं या विदेश के लोग हैं, वहां से आ रहे हैं, होटल मालिकों को कहा कि अगर इस तरह का कोई भी व्यक्ति यहां पर आता है तो उन्हें जिसमें कोई भी लक्षण पाए गए हैं, वो होटल मालिक इसकी सूचना तुरंत 104 नंबर पर दे या
सीएमओ कांगड़ा को दे। मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके लक्षण क्या क्या हैं और इसके बचाव क्या क्या हैं, इसको अपने आप को कैसे बचाना है ये बताया जा रहा है।